धर्मशाला रीजन के कंगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में काफी खूबसूरत जगह है जिसका नाम है मैकलोडगंज। शायद आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिटिल ल्हासा। इस जगह को नेचर्स लवर पैराडाइज बोलते हैं, पीस लवर प्रीशियस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी शांति मिलेगी और यहाँ पे आप अपने आप को मदर नेचर के करीब महसूस करेंगे। तो अगर आप ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों में, जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं हो, एक अच्छा मौसम हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, तो आप लोगों के लिए मैकलोडगंज परफेक्ट प्लेस है अपनी वेकेशन बिताने के लिए। अपनी फैमिली के साथ में जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में जा सकते हैं या अपने पार्टनर के साथ में जा सकते हैं। मैकलोडगंज के लिए सारी प्लानिंग आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं। बस आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि इस गर्मियों की छुट्टियों में एटलीस्ट यहां पर जाने की कोशिश करिए। अगर आप अभी नहीं जा पाते हैं तो एक बार यहां पर सर्दियों में जाएं, आपको यहां पर स्नोफॉल देखने को मिलेगी। काफ़ी खूबसूरत यहां का एनवायरनमेंट रहता है उस टाइम पे। मैकलोडगंज को विजिट करने का जो बेस्ट सीजन होता है टूरिस्ट सीजन, वो होता है सितंबर से जून के बीच में। अभी ये सीजन खत्म हो रहा है और मानसून चालू हो रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मानसून में नहीं जाएं। काफी बारिश होती है, लैंडस्लाइड होती है, तो आप सितंबर के बाद में जाएं जब बारिश खत्म हो जाए। अगर आप सर्दियों में जाएंगे तो आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी और टेम्परेचर भी वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास रहता है। तो अगर आप अब हाउ टू रीच मैकलोडगंज, आपके पास मैकलोडगंज पहुंचने के लिए तीन रास्ते होंगे, फ्लाइट, रेलवे या तो रोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी बारी करके मैं आपको यहाँ पर तीनों ऑप्शन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं बाय रोड आप मैकलोडगंज कैसे पहुँच सकते हैं। अब मैकलोडगंज कनेक्टेड है धर्मशाला के थ्रू काफ़ी सारे बस स्टेशन से। जो मेन बस स्टेशन है यहाँ पे वो है दिल्ली चंडीगढ़ एंड धर्मशाला। अब आप लोग मेरा वीडियो अलग अलग जगह से देखते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप नीचे इंडिया से रहते हैं, दिल्ली से नीचे रहते हैं, अपने मैप में आपको पता ही होगा, तो आप दिल्ली एक बार ज़रूर जाएंगे, आपको जाना ही पड़ेगा, दिल्ली आपका मेन पॉइंट रहेगा। तो आप दिल्ली से मैकलोडगंज के लिए बस ले सकते हैं थ्रू धर्मशाला। अब दिल्ली से धर्मशाला के लिए डायरेक्ट बसेस भी चलती हैं, आराम से आपको बसेस मिल जाएंगी जिसका प्राइस अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। एसी बसेस लेंगे 1200-1300 रुपीज़ आपको पे करना होगा वन साइड का, और अगर नॉर्मल बसेस लेंगे हिमाचल प्रदेश की जो टूरिज्म बसेस चलती है गवर्नमेंट के थ्रू, उसका अगर आप पे करेंगे तो आपको 700-800 रुपीज़ आराम से आपको लग जाएगा, तो बहुत ज़्यादा रुपये नहीं है। धर्मशाला तक आप डायरेक्ट बस में जा सकते हैं। धर्मशाला से मैकलोडगंज के लिए आप वहां से टैक्सी ले सकते हैं या वहां से भी सस्ती बसेस चलती हैं 15-20 रुपये के बीच में, आप पे करके जा सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप अपने लिए टैक्सी भी बुक कर सकते हैं डायरेक्टली दिल्ली से मैकलोडगंज के लिए, नहीं तो आप दिल्ली से धर्मशाला बस से, देन बस धर्मशाला से मैकलोडगंज आप टैक्सी बुक कर सकते हैं अपने लिए। अगर आपको ट्रेन का इस्तेमाल करना है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मैकलोडगंज के वो है पठानकोट रेलवे स्टेशन। पठानकोट रेलवे स्टेशन 90 किलोमीटर दूर है मैकलोडगंज के। तो अगर आप ट्रेन लेते हैं तो आपको पठानकोट रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा, वहाँ से आप अपने लिए, जैसे मैंने पहले वाली बात में बोला, आप अपने बस बुक कर सकते हैं या तो टैक्सी बुक हायर कर सकते हैं मैकलोडगंज तक के लिए। आप जो मैं टैक्सी बसेस बोल रहा हूँ आप इनको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, मैं आपको प्राइसेस बता ही रहा हूँ यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं करना चाहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद अपने लिए खुद प्राइवेट टैक्सी या प्राइवेट बस या सरकारी बस आराम से ले सकते हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको मिल जाएंगी। आपको सबको पता ही है कि कैसे टैक्सी एंड बसेस ली जाती है रेलवे स्टेशन के बाहर। अगर आप फ्लाइट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है गगल एयरपोर्ट, बट वहाँ पे काफ़ी कम फ्लाइट्स जाती हैं, तो जो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा वो होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है। तो अगर आपको दिल्ली तक एयरप्लेन से आना है तो आप सब आ सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कोलकाता में, बेंगलोर में हैं, उड़ीसा में है, तो आप दिल्ली तक फ्लाइट तक आ जाइए। फिर दिल्ली से आपको मैकलोडगंज जाने के लिए आप अपने लिए टैक्सी ले सकते हैं, बस बुक कर सकते हैं या तो ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गए आप लोगों की पहुंचने की बात। अब बात कर लेते हैं आपके अकोमोडेशन की, कि आप कहाँ रुकने वाले हैं। मैंने हर बार की वीडियो की तरह यहाँ पे भी आपको होटल के बारे में बताऊंगा, हॉस्टल के बारे में बताऊंगा। पहले होटल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ में जा रहे हैं, होटल में रुकना चाहते हैं, जो प्राइजेज हैं वो जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, शिवालय करके जो होटल है सबसे कम प्राइस प्रोवाइड करवा रहा है यहाँ पे 728 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से। और जो मैंने डेट चूज़ किया है वो 17 सितंबर 2018, तो इस बात का ध्यान रखना प्राइजेस चेंज हो सकते हैं आपकी डेट के हिसाब से। उसके बाद एक जो एवरेज प्राइस यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है 1500 रुपये, 3000, 1500, 3000, 1300, 3000, 6000।
मान लीजिए लाइक 1500 यहाँ पर एक एवरेज प्राइस है, एक एवरेज होटल के लिए 2000 तक आपको पे करने पड़ सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा होटल चाहिए, 3 स्टार होटल चाहिए पर नाइट के हिसाब से, दैट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस हिसाब से अपना होटल बुक करना चाहते हैं, आपको क्या चीज़ें चाहिए क्या चीज़ें नहीं चाहिए। बट 2000 rupees साउंड्स नॉर्मल टू मी। देन मेरे दोस्तों के लिए जो कॉलेज में है, एक बजट के अंदर ट्रिप करते हैं मेरी तरह, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे बैकपैकर्स इन मैक्लोडगंज जो यहाँ पे हॉस्टल है, हॉस्टल में स्टे कीजिए। हॉस्टल का प्राइस यहाँ पे 500 rupees पर नाइट है, कहीं कहीं पे सस्ता भी है। और भी हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, आप देख ही सकते हैं। होटल लावे का प्राइस भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, 300 rupees पर डे का है, पर नाइट आई मीन। देन उसके बाद फ्लूगर हॉस्टल धर्मकोट, अगर आपको यहाँ रुकना है तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 600 rupees। कहीं का पे किसी रात का प्राइस 600 rupees है, कहीं का 500 rupees है, तो एक एवरेज जो प्राइस है यहाँ पे 500 to 600 rupees पर नाइट के हिसाब से, जो काफ़ी कम है। क्योंकि आप मैक्लोडगंज पे 2 से 3 दिन बहुत होंगे इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक छोटी सी जगह है। तो अगर आप 2 से 3 दिन रुकेंगे तो आपका बजट ज़्यादा नहीं आएगा, अगर आप अकेले घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं तो। आप यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, आपकी अकोमोडेशन की दोनों की बात हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं कि आप मैक्लोडगंज में एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करेंगे। क्योंकि काफ़ी छोटी जगह है तो आप मोस्ट लाइकली आप यहाँ पर पैदल चल के सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर आपको धर्मशाला से मैक्लोडगंज आना है तो आप आराम से यहाँ पे रेगुलर यहाँ पे बसेस चलती हैं जो आपको 10 से 15 रुपए लेंगी, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए। अगर आप चार्टर्ड ऑटो रिक्शाज लेते हैं तो आपको 100 रुपए तक पे करने पड़ेंगे। टैक्सी का प्राइस यहाँ पे 200 rupees वन वे है, तो डिपेंड करता है, अगर आपका ज़्यादा लगेज है तो आप टैक्सी ले सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में पैसे को डिवाइड कर सकते हैं, इतना आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और जो मैक्लोडगंज के आसपास जो विलेज है, एग्जांपल भागोसार धर्मकोट, अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको 70 से 100 रुपये या 150 रुपये तक एक साइड में पे करने पड़ेंगे, तो अगेन बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ जाके अपने लिए प्राइवेट टैक्सी या प्राइवेट ऑटो रिक्शा हायर करें, तो आपको 4 से 5 घंटे के लिए एटलीस्ट टैक्सी में 800 to 1000 rupees पे करने पड़ेंगे। लोकल साइट सीइंग होगा, ये मैं आपको एक नॉर्मल प्राइस बता रहा हूँ। अगर आप एक टूरिस्ट सीजन में जाते हैं तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ऑफ सीजन में जाएंगे तो कम पे करना पड़ेगा, हर जगह का रूल ऐसा ही है। वो आपको ले जाएंगे भागोसांग वाटरफॉल, डल लेक, नादी विलेज, चर्च ऑफ सेंट जॉन, दलाई लामा टेम्पल, ये 3-4 यहाँ के मेन अट्रैक्शन है, तो ये सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी अगर आप एक प्राइवेट टूर लेते हैं तो। मोटरसाइकिल्स भी आप रेंट कर सकते हैं, मोटरसाइकिल का प्राइस भी यहाँ पे 800 to 1000 rupees है, बट आप यहाँ पे इसको अपने हिसाब से मोल भाव करके कम ज़्यादा करवा सकते हैं। मैक्लोडगंज आने के लिए 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं योगा मेडिटेशन वाले, एक होते हैं फैमिली के साथ ट्रिप पे आने वाले, स्नोफॉल के मज़े लेने वाले, 2-3 दिन में वापस चले जाने वाले, और तीसरे टाइप के होते हैं कॉलेज वाले जो आते हैं नशा करने के लिए। हम कॉलेज वालों की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका एक अलग ही स्वैग है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आप योगा मेडिटेशन के लिए आ रहे हैं तो आपका एक अलग बजट रहेगा। अगर आप फैमिली वालों के साथ में आते हैं तो आपका एक अलग बजट रहता है, क्योंकि आप 2-3 दिन के लिए आते हैं, ज़्यादा पे करने को रेडी होते हैं, प्राइवेट टैक्सी लेने को रेडी होते हैं, तो आपका बजट आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा पे करना है कि कम पे करना है। मैक्लोडगंज में एक्चुअली करने के लिए क्या है, आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं डिवाइन बुद्धा हैंडीक्राफ्ट्स की, आपको यहाँ पे काफ़ी तिब्बतन हैंडीक्राफ्ट्स मिलेंगे, तिब्बत वर्ल्ड के आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, आप तिब्बत वर्ल्ड की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। मेन जो यहाँ पे अट्रैक्शन है वो है ट्रैकिंग एंड वॉकिंग। अगर आप एक नेचर लवर हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं पहाड़ियों के बीच में, नदी में पांव डाल के बैठना चाहते हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैक्लोडगंज होगी परफेक्ट प्लेस। हाँ, बस सर्दी में मत जाना, काफ़ी ठंडी होती है, उस टाइम पे ये सब चीज़ें मत करना। एक समर में जाएंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छा अनुभव रहेगा आप लोगों के लिए। भागोसा वाटरफॉल 3 किलोमीटर दूर है धर्मशाला से, डल लेक यहाँ पे 4 किलोमीटर दूर है धर्मशाला से, पास नादी निधार पास भी आप जा सकते हैं जो दालूधार रेंज इन द कंगरा वैली में है, दिस ट्रैक एंड्स एट लामू। और अगर आप सच्ची में ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रिनूट पे, जो धर्मकोट टू ट्रिनूट यहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं अच्छे से अपने लिए, जो यहाँ पे आप स्मॉल कार भी मैक्लोडगंज से यहाँ पे गालू देवी के लिए रेंट पे ले सकते हैं, जिसका प्राइस है 300 to 350 rupees।
इसके बाद आप 3 घंटे की क्लाइंब कर सकते हैं त्रिनूट के लिए। ये उन लोगों के लिए जो सच में कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा आप अपनी मम्मी पापा को लेकर ट्रैकिंग के लिए जाएं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड है मेरी तरह, तो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, दिस इज़ ऑल अबाउट नेचर एंड इन्वायरमेंट कि आप यहाँ पे पीस के लिए जाते हैं। अगर आपको एकदम एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करनी है तो आप ऋषिकेश जैसे जगहों पर जा सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा सब कुछ होता है, पर इतना नहीं है जितना दूसरी जगह पर होता है। मैक्लोडगंज इज़ ऑल अबाउट पीस, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, दोबारा से बात करता हूँ इस बारे में, बट इतना नहीं होता है यहाँ पे। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए कि आपका पर्पस क्या है वहाँ पे जाने के लिए। खाने पीने की बात मैं यहाँ पे करूँ तो आपको यहाँ पर बजट फूड भी मिल जाएगा, जैसे आपको स्ट्रीट मोमोज, पंजाबी ढाबे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तिब्बतन बेकरी मिल जाएंगी, मिड रेंज रेस्टोरेंट में भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि पीस कैफे, डोलमैन, डॉल्जी इंडिक, इटालियन किचन, शंगीला रेस्टोरेंट, जोमा कैफे, पीस कॉफी हाउस, ऐसे सारी काफ़ी सारे मिड रेंज यहाँ पे आपको होटल्स हैं जो आपको मिल जाएंगी। पीने का यहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियन, तिब्बतन, हर टाइप का चाइनीज़ फूड आपको आराम से मिल जाएगा, हर एक टाइप के प्राइस में। अगर आपको लो प्राइस में खाना है, स्ट्रीट फूड खाना है, तो आप खा सकते हैं। अगर आपका बजट हाई है तो आप अपने बजट के हिसाब से फैमिली के साथ में हाई बजट वाले एरिया में भी खा सकते हैं। सेफ्टी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑफकोर्स आपको थोड़े प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि ये कोई बड़ी सिटी नहीं है, तो 7-8 बजे के बाद जैसे ही सनसेट होता है, यहाँ की स्ट्रीट्स खाली हो जाती हैं, सब लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं। तो अगर आप 7-8 बजे के आसपास या उसके बाद में बाहर घूम रहे हैं अकेले या दोस्तों के साथ में, तो अपने हाथ साथ में फ्लैश लाइट रखें, और बस कुछ ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। बस बैगर्स को प्लीज़, मैं हमेशा बोलता हूँ बैगर्स को रुपये मत दीजिए, क्योंकि इस हिसाब से प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं ना कि सॉल्व करते हैं। लोकल पीपल यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तो अगर आपको किसी भी टाइप की परेशानी आती है यहाँ पे घूमते वक्त, या आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है लोकल के थ्रू, तो आप किसी भी लोकल से जाकर पूछ सकते हैं, आपको इस ट्रिप में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ पे मैक्लोडगंज के बारे में दे चुका हूँ, आपको कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, होटल, हॉस्टल, क्या क्या चीज़ें आपको देख सकनी है, क्या आप कर सकते हैं, ओवर एंड ऑल सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगला आप क्या रिकमेंडेशन चाहते हैं, कौन सा हिल स्टेशन चाहते हैं मेरे लिए कवर करना, तो मैं उस चीज़ को भी अगले वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।